मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अनेक एकेडमी पे। एक बेहतरीन से सीरीज, एक बेहतरीन से कंटेंट के साथ आप सभी लोगों के बीच में, काफी अच्छे कंटेंट के साथ मैं सचित शुक्ला आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा सेशन लेके आया हूँ। एक बार जल्दी से इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लासरूम में एक और बहुत बेहतरीन कॉन्टेंट बनाना है। एक बार जल्दी से इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो, जैसे कि हम लोग क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बना सके। देखिए, हम लोग एक पेपर टू का एनालिसिस में आज की क्लास में सभी लोग जो ठीक है, आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू अगेन, काइंडली शेयर मैक्सिमम मैक्सिमम। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सब लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोग आगे बात करें, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो प्लस और आइकॉनिक दो वेरिएंट में आप सभी लोगों को सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी पैनल, स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। अगर हम लोग बात करें प्लस आइकॉनिक, दो वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। देखिए ध्यान से, हमारे पास जो है प्लस और आइकॉनिक दो वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर हम लोग प्लस की बात करें तो प्लस में अगर आपको कोर्स चाहिए तो हमारे पास यही सब्सक्रिप्शन 50,000 का है, मगर ये जो कोड है, मैंने कोड लिखा है यहाँ पे SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और इस 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट से आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि यही कोर्स आपको 45,000 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा बोलो? 45,000 का पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप 24 मंथ्स का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 20,000 का पड़ेगा, मगर ये जो कोड है SUCHIT10, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो 10% का डिस्काउंट, 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा, और यही कोर्स आपको कितने का पड़ेगा बोलो? 18,000 का कोर्स पड़ेगा। आइए आगे बढ़े। क्या देखिए, हमारे पास प्लस आइकॉनिक में दो वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये इनके कुछ बेनिफिट्स हैं, देख सकते हैं देखो। और अगर हम लोग आगे बात करें, जैसे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल, और इसके साथ भी बहुत सारे अन्य हमारे पास बेनिफिट्स हैं, जैसे पर्सनल कोच, स्टडी पैनल, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज्ड और सोलो सेशन प्रिपरेशन और प्रिपेटरी स्टडी मटेरियल, जैसे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम लोग इसके आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो प्लस और आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स जो हैं, मैंने आप सभी को जो बताया था वो इस प्रकार से हैं। को हमारे पास एक कंप्लीट बैच आउट स्पायर बैच और आउटस्टैंडिंग बैच हमारे पास जो आया हुआ है, एक बार जल्दी से हम सभी लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कंप्लीट और आउटस्टैंडिंग बैच काफी बेहतरीन बैच हैं ये सारे बैच हमारे पास, और कुछ ऑफर भी चल रहे हैं कि अगर आप 6 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को 6 मंथ का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी लोगों को 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, और 24 मंथ का लेते हैं तो आप लोगों का जो है 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर हम लोग बात करें आगे, तो ये इंडिया के टॉप रैंकर्स हैं, टॉप वॉरियर्स हैं, आप सभी लोग इन वॉरियर्स की क्लास ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, आप लोग जल्दी से ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। 15 to 17 नवंबर तक का कोई भी नॉन प्रिपेयर्ड और कंटेंट अगर पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास का रिपोर्ट करके आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और प्राइज भी जीत सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, अगर हम लोग आगे बात करें स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स की, स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, जैसे आप सभी लोगों को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स लर्नर, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर के वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। आइए आज की क्लास में हम सभी लोग जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे। आप सभी लोग तैयार हैं क्या? बताइए फास्ट जल्दी से। आज की क्लास में हम सभी लोग जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे, जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आज की क्लास में हम सभी लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलिए मेरे साथ? आज की क्लास में हम सभी लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। देखिए, हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चीजों को करेंगे। देखो, डिस्पर्जन मतलब होता है दूर। देखिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास देखो होता क्या है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या जब भी कोई भी एलिमेंट हमारे से वो कितनी दूर पे रखा है तो हम उसको बेसिकली बोलते हैं कितना डिस्पर्जन है। समझ रहे हो ना? डिस्पर्जन का मतलब क्या, कोई भी चीज हमारे से कितनी दूरी पे है वो डिस्पर्जन बोलते हैं। तो बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई भी अगर हम लोग मीन की बात करें, मीडियन की बात करें और मोड की बात करें, मोड हटा दो, मीन और मीडियन की बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मीन की, तो हमारे पास जो मीन वैल्यू है उसमें से जो एक्स सीरीज है,
एक्स की जो सीरीज है वो हमारे मीन से कितना डिस्टेंस है, उसके बीच में कितना वेरिएशंस है, कितना गैप है, इस वजह से हम लोग उस गैप को मेजर करने के लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश करूं? मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज जस्ट नथिंग बट व्हाट, कि जो भी हमारे पास सीरीज गिवन है वो सीरीज अपने मीन से कितना डिस्टेंस पे है, वो अपने मीडियन से कितना डिस्टेंस पे है, इस चीज को निकालने के लिए हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालते हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास दो टाइप्स के डिस्पर्जन होते हैं। एक होता है हमारे पास एक, हालांकि अगर हम लोग मेजर्स की बात करें हम लोग दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर्स, ठीक है? एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा क्या होता है बोले जल्दी से, रिलेटिव मेजर्स। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट मेजर। अब हम लोग देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बाद अगर हम लोग बात करें तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे। सो इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन में अगर हम लोग बात करें आगे तो हमारे पास देखो क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ आप लोगों को आपके सामने कि बेसिकली डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं यहाँ पर डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूँ और इस डिस्पर्जन को समझेंगे बाई डेफिनेशन। देखिए ध्यान से, इट इज अ डिस्पर्सन इज द एक्सटेंट टू विच, मैं बोलूंगा कि इट इज एक्सटेंट, क्या बोलेंगे बोलो, इट इज अ एक्सटेंट टू विच, बातों को बहुत ध्यान से सुनना, इट इज एक्सटेंट टू विच वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, बातों को ध्यान से सुनना, वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज एक्सटेंट टू विच वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिफर फ्रॉम द एवरेज, क्या बोलेंगे बोलो जल्दी से ध्यान से, डिफर डिफर फ्रॉम अ एवरेज, ठीक है, डिफर फ्रॉम अ एवरेज। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, जरा सा भी बात जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इट इंडिकेट्स लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज ऑफ आइटम, क्या लिखा हुआ जल्दी से, इट इंडिकेट्स अगर हम लोग बात करें, इट इंडिकेट्स लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक क्या बोलेंगे बोलो, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसमें जो होता है हालांकि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होता इन द साइज ऑफ आइटम, ठीक है, इन द साइज ऑफ आइटम, बात आ रही है इसमें साइज ऑफ आइटम। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा तब तो आपको एक एक करके ध्यान से समझना है। देखिए ध्यान से, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, इट इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यू ऑफ वैल्यू इज अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर्ड फ्रॉम एवरेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी वैल्यू हमारे से कितना एक्सटेंट पे है, कितना दूरी पे है ना, हमारे इस मतलब एक्स जो हमारे देखो हम जब स्टेटस एक्स में जब मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक्स की सीरीज दे रखी होती है, तो वो जो एक्स की जो सीरीज है वो हमारे जो एक्स की जो सीरीज है वो हमारे उस मीन से कितना डिस्टेंस पे है, वो जो एक्स की सीरीज है हमारे मीडियन से कितने डिस्टेंस पे है, उसको हमें बेसिकली कैलकुलेट करना होता है। बात आ रही है समझ, बोले मेरे साथ आए ना, तो यही हमारे पास देखो लिखा होगा, इट इज एक्सटेंड टू विच वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम अ एवरेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये क्या बोलेंगे बोलो, ये हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाएगा। अब अगर हम लोग बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास देखो दो टाइप्स के मेजर्स होते हैं, दो टाइप्स के मेजर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर, ध्यान से देखिए हमारे पास दो टाइप्स का मेजर होता है, एक हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है हमारे पास रिलेटिव मेजर्स, बातों को ध्यान से सुनना, एक होगा हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है हमारे पास रिलेटिव मेजर्स। अब आप लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ, ये आप लोग एब्सोल्यूट मेजर्स या रिलेटिव मेजर्स से क्या समझते हैं, What do you understand by absolute measures या relative measures? मुझे बताइए जल्दी से fast. Come on, fast जल्दी से बताइए एक बार. एक सेकंड वेट करिए, बहुत जल्दी से हो गया. Okay, so what do you understand by absolute measures या relative?
सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स, आप सभी लोगों को बताना है, जल्दी से फास्ट बताओ क्या होगा कमा चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स में क्या समझते हैं। और एब्सोल्यूट हम लोग ये भी, मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट मेजर्स से आप लोग, इसमें हम लोग कौन कौन सा डेटा कैलकुलेट करते हैं और रिलेटिव मेजर्स में हम लोग ऐसा कौन कौन सा डेटा कैलकुलेट करते हैं, ये आप सब लोगों को बताना है, फास्ट बताइए। देखिए अगर मैं एब्सोल्यूट मेजर्स की बात करूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं आप लोगों को बताऊं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना सीखना। देखिए एक बार अगर हम लोग बात करें तो देखिए मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ और आप लोगों को इसको नोट डाउन भी करना है कि यहाँ पे लिखा मैंने क्या, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, क्या लिखा बोलो, एब्सोल्यूट मेजर्स में कि द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अगर मान के चलो जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, विच आर बातों को ध्यान सुनना, ऐसा कोई मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो हमारे किसी ओरिजिनल यूनिट्स में मेजर किया जाता है ऑफ अ सीरीज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ अ सीरीज टर्म डस क्या बोलेंगे बोलो, उसको हम लोग बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों एब्सोल्यूट मेजर, बोलो हाँ है ना। So absolute measure is just nothing. Absolute measure का कुछ खास बात बस ये है कि ये एक ऐसा measure होता है जब किसी भी dispersion को हम एक original unit में measure करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी dispersion को अगर हम एक original unit में measure करते हैं तो measure of dispersion कहलाता है, बिल्कुल original unit है, standard unit में measure करते हैं, ठीक है ना। अब अगर ऐसा कोई measure, अगर मान के चलो relative, अच्छा absolute measure का कुछ example दे सकते हैं क्या, जैसे अगर मैं बात करूं किसी इंप्लॉई की सैलरी की बात करूं, अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर किसी इंप्लॉई की मैं सैलरी की बात करूं तो एक बात बताओ, किसी इंप्लॉई की जो सैलरी होगी वो बिल्कुल फिक्स होगी, अरे हाँ है ना, किसी इंप्लॉई की अगर जो सैलरी होगी वो क्या होगी बोलो, डिस्पर्जन ऑफ सैलरी अबाउट एन एवरेज इज मेजर्ड इन रुपीस। जैसे अगर किसी इंप्लॉई की जो सैलरी होगी वो क्या होगा बिल्कुल बोलो, जैसे वो फिक्स होगा, एकदम कन्फर्म एकदम फिक्स होगा, और उस चूंकि वो अमाउंट जो है सैलरी का जो अमाउंट बिल्कुल फिक्स है, इस वजह से वो क्या कहलाएगा बोलो, वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर में काउंट डाउन किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए। अब अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों रिलेटिव मेजर्स की, देखिए रिलेटिव मेजर्स में क्या होता है, इसकी खास बात ये होती है द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यहाँ लिखेंगे क्या, ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, देखिए ध्यान से, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ध्यान से देखिए, ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच आर मेजर्ड एज, ठीक है, which are measured, ठीक है, ऐसा measure of dispersion which are measured, ठीक है, which are measures, ठीक है, जैसे measured, ठीक है, as a percentage or ratio, as a percentage, ठीक है, which are measured as a percentage, और हम लोग बोल सकते हैं क्या, किसके form में बोलो, ऐसा कोई measured dispersion या हमारे पास as a percentage या ratio के form में measure किया जाता हो, of the average R term is, ठीक है, of an average, किसी भी average को हम अगर परसेंटेज या किसी रेशियो के फॉर्म में अगर मेजर करते हैं तो एवरेज है ना, इस कॉल्ड क्या बोल सकते हैं बोलो जल्दी से, इस कॉल्ड क्या बोलेंगे बोलो, रिलेटिव मेजर्स बोलेंगे, बोलो मेरे साथ आया, जरा सा भी कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, इस कॉल्ड क्या बोलेंगे बोलो, रिलेटिव मेजर्स बोलेंगे। ये दो बेसिक सी बातें थी, मैं उम्मीद आशा करता हूँ आप सभी को मैंने समझाया, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है और रिलेटिव मेजर्स क्या होता है, बोलो जल्दी से आया। या हम लोग बोल सकते हैं क्या, जब भी अगर हम लोग क्या करें दो डेटा को कंपेयर करेंगे या दो सीरीज है हमारे पास, कोई भी दो सीरीज है, when two or more than two series are to be compared by itself, ठीक है, जब दो या दो से अधिक सीरीज को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है तो वो भी हमारे रिलेटिव मेजर्स का पार्ट होता है। अगेन रिपीट, when two or more than two series are basically compared from each other, so that particular scenario is said to be as what, के रिलेटिव मेजर्स कहलाता है। आप मेरी बात समझ पाए हैं, एक बार जल्दी से हाँ ना में जवाब दीजिए, जल्दी से फास्ट कम जल्दी से बताइए फास्ट।
आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई है? चल आगे बढ़े क्या? ठीक है, सो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमने एब्सोल्यूट मेजर्स कर लिए और रिलेटिव मेजर्स कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज को फिर हम लोग देखो क्या करेंगे बोलो, हम आगे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब हमारे पास जो है, देखिए मैं आपको एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ और उस डायग्राम से हम लोग देखेंगे कि हम इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम इस डायग्राम से बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। देखो ध्यान से, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन का डायग्राम आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास दो तरीका होता है बनान कैलकुलेट करने के लिए। एक हमारे पास होता है मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, क्या बोलेंगे बोलो। एक तो तरीका ये होता है जो मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, ठीक है, एक तरीका क्या होता है बोलो, मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। और दूसरा तरीका होता है प्यारे दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन, क्या बोलेंगे बोलो, मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो मेरे साथ है ना, मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये तीन तरीका होता है इसमें उसको कैलकुलेट करने के लिए। एक होता है हमारे पास रेंज और दूसरा होता है हमारे पास मीन डेविएशन। क्या होता है बोलो, जैसे एक होता है रेंज, दूसरा होता है मीन डेविएशन, तीसरा होता है हमारे पास बोलो मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास तीन तरीका होता है, रेंज और मीन डेविएशन और लॉरेंज कर्व। क्या बोलते बोलो, लॉरेंज कर्व बोलो, हाँ है ना। इस तरीके से हमारे पास अगर हम लोग आगे बात करें तो एक दो चीजें और भी होती हैं, उसको हमें और भी कैलकुलेट करना होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान से समझो, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा होता है हमारे पास देखो क्या बोलो, फिर हमारे पास होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है हमारे पास मीन डेविएशन हो गया, फिर हमारे पास होता है क्या क्वार्टाइल डेविएशन। क्या होता है बोलो, क्वार्टाइल डेविएशन। हालांकि क्वार्टाइल डेविएशन पहले सीखते हैं रेंज के बाद, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। तो क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व, ठीक है। तो मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या सीखेंगे, एब्सोल्यूट मेजर में हम सब लोग रेंज सीखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन सीखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे, मीन डेविएशन सीखेंगे, लॉरेंज कर्व सीखेंगे। बात आ रही है समझ में, क्या क्या सीखेंगे आप सबको समझ में आ गया कि नहीं? चलिए बात करते हैं हम लोग, देखो क्या क्या सीखेंगे हम लोग। देखो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर है, हम लोग क्या क्या सीखते हैं बताओ, रेंज सीखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन सीखेंगे, मीन डेविएशन सीखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे और लॉरेंज कर्व देखेंगे। लॉरेंज कर्व में हम लोग एक लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है उसको भी सीखेंगे। सो जस्ट बी देयर और हम लोग एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, मेजर ऑफ रिलेटेड डिस्पर्जन में हम लोग क्या सीखेंगे आइए डिस्कस करते हैं। हमारे पास देखो तीन चीजें होती हैं, एक कॉफिशियंट ऑफ रेंज, क्या क्या सीखेंगे जल्दी समझो बताओ। एक हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक सबसे पहली चीज सीखेंगे क्या, कॉफिशियंट ऑफ रेंज। दूसरा होता है हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन मेरे प्यारे दोस्तों, फिर दूसरा होता है हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। जरा सा भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है मुझे बताना जरूर। और फिर हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है वो जल्दी से, फिर तीसरा होता है हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन, तीसरा होता है हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हमारे पास तीन पॉइंट होते हैं, तीन मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं। जरा सभी को दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन समझ में आ गया, मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और मेजर ऑफ रिलेटेड डिस्पर्जन में। सो कॉफिशियंट ऑफ रेंज, कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन, ये हम लोग तीन चीजों को सीखेंगे। तो अगर मैं आप सभी लोगों से अगर एक बार पूछूं, इस फ्लो चार्ट को मैंने अभी रफ कर दिया कि हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, तो आपको बता पाएंगे क्या मैंने क्या बताया वो? सबसे पहले मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ लेना से, रेंज क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, लॉरेंज कर्व, ये सीखेंगे हम लोग क्या मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर में। मेजर ऑफ रिलेटिव मेजर्स में कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और क्या पढ़ेंगे बोलिए जल्दी से, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। अच्छा दो चीजें और भी पढ़ेंगे, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जितने भी चीजें हमने वहां पे पढ़ी है उसी चीज का हम लोग यहाँ पे कॉफिशियंट पढ़ेंगे। बात आ रही है ना, ठीक। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, अच्छा मैं अभी इसको बैक कर सकता हूँ क्या, दोबारा नहीं ला सकता, अंडू कर सकता हूँ क्या, लास्ट भी हो नहीं, चलो चलो। अब हमारे पास देखो क्या इस एब्सोल्यूट मेजर में सबसे पहले हम लोग इस एब्सोल्यूट मेजर को कैलकुलेट करेंगे।
तो इस एब्सोल्यूट मेजर्स में अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से, एब्सोल्यूट मेजर में हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो रेंज क्या होता है, हम लोग रेंज पे चर्चा करेंगे अपनी। ये व्हाट इज रेंज, देखिए ध्यान से, ये रेंज होता है क्या। रेंज इज जस्ट नथिंग बट व्हाट, कि अगर कोई भी हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है, हमारे पास जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे जो भी हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू में से अगर हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो हमारा एक रेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास डेटा है 20, 15, 25 और 35, 50, ठीक है, ये है हमारे पास। और अगर मैंने बोला कि भाई इस डेटा का आपको रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए लॉन्गेस्ट वैल्यू क्या है वो 50, माइनस का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है वो जल्दी से हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है 15, हाँ है ना। तो 50 में से 15 मतलब क्या 35, तो 35 जो है इसकी क्या है बोलो मेरे भाई, ये रेंज है। तो रेंज कौन सा मेजर होता है बोलो, एब्सोल्यूट मेजर होता है बोलो, हाँ है ना। रेंज हमारा जो होता है वो एब्सोल्यूट मेजर होता है। इस तरीके से अगर मैं रिलेटिव मेजर्स की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस तरीके से मैं रिलेटिव मेजर्स की बात करूं तो रिलेटिव मेजर्स देखो क्या होता है, ये हमारे पास देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूले में हम लोग इसमें रिलेटिव मेजर्स में हम लोग कॉफिशियंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं बोलो, इस रिलेटिव फॉर्मूले में हम लोग कॉफिशियंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं। और कॉफिशियंट ऑफ रेंज जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है कि लार्जेस्ट माइनस का शॉर्टेस्ट और अपन में लार्जेस्ट प्लस का शॉर्टेस्ट, और हम लोग इसको बोल सकते हैं हाईएस्ट माइनस का लॉन्गेस्ट अपन में हाईएस्ट प्लस का लॉन्गेस्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो लार्जेस्ट मतलब क्या होता है बोले, जैसे अगर हम लोग बोले तो 50 माइनस का 15 अपन में 50 प्लस का 15, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास 35 मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से, 35 अपन में कितना होता है बोलो 65, ठीक है। तो 5 7 35 और 5 13, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जो भी पॉइंट में आएगा हम उसको लिख सकते हैं, क्या ये हमारा कॉफिशियंट ऑफ रेंज है। क्या कहेंगे बोले, जैसे इसको हम लोग कॉफिशियंट ऑफ रेंज कहेंगे। जरा सभी को दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है, जो भी पॉइंट्स मैं निकल के आएगा मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, कॉफिशियंट ऑफ रेंज बोलेंगे। जरा सभी को दिक्कत हो, कोई परेशानी है, आप सभी लोग मुझे जरूर बताएं। बोले मेरे साथ आए ना, जल्दी से बताइए, फास्ट बताओ जल्दी से, कम ऑन जल्दी से बताइए। देखिए हमने रेंज को अभी हमने देखो ध्यान से समझो, अभी हमने रेंज को कैलकुलेट किया, कौन से सीरीज से, हमने रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया ना, हमने रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया। कौन से सीरीज से कैलकुलेट किया बोलो, अभी ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज था, तो अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज का हमने जो है रेंज कैलकुलेट किया, मतलब रेंज भी कैलकुलेट किया और कॉफिशियंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम लोग जो कैलकुलेट करने वाले हैं, हम लोग अब डिस्क्रीट सीरीज का करने वाले हैं, हम सभी लोग डिस्क्रीट सीरीज का करने वाले हैं, कि कैसे डिस्क्रीट सीरीज में हम सभी लोग अब रेंज कैलकुलेट करेंगे और कॉफिशियंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे, समझ में आया, आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके बहुत डिटेल में, ठीक है। तो देखिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के जरिए हम डिस्क्रीट सीरीज के रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज की रेंज को कैलकुलेट करेंगे। आइटम हमारे पास दिया गया 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 और फिर 6 7 8 और फिर हमारे पास 9 और 10, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी की बात करो, हमारे पास देखो लिखो है 35 30 20 10 6, क्या लिखेंगे बोलो 35 30 है ना, 20, ठीक है, 10 और कितना बोलो 6, 35 30 20 10 6, फिर हमारे पास देखो क्या बोलो 3 2 1, क्या बोलो 3 2 और 1, ये आ गया हमारे पास x और f, ठीक है। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे बोलो, अगर इसका रेंज निकालेंगे तो रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका है, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसका रेंज का फॉर्मूला वही होगा कि भाई हाईएस्ट माइनस का लॉवेस्ट, तो जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है बोलो, 3 की फ्रीक्वेंसी है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, अच्छा देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखो किसकी है बोलो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 की है ना बोलो, हाँ है ना, सॉरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 की है, तो एक शायद मिस्टेक करना, हाँ ठीक है, सही 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 तो है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी बोलो जल्दी से, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी 10 है, माइनस का लॉवेस्ट कितना है बोलो जल्दी से, लॉवेस्ट इसमें से वैल्यू कितनी बोलो 3, अपॉन में क्या कर देंगे ये 7 आ गया, आगे आंसर बोलो। अच्छा हम एक्स सीरीज को देखते हैं ना कि इसकी फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज को नहीं देखेंगे, हम इसके एक्स सीरीज को देखेंगे, ठीक है, हमेशा इस एक्स को देखेंगे ना कि हम इसके कोई फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। अब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका भी फॉर्मूला होगा क्या, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट,
हाईएस्ट कितना है बताओ हमारे पास, 10 माइनस का 3 अपॉन में 10 प्लस का 3, तो 7 अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो 13। तो अभी 7/13 आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा कि क्या इसका कॉफिशियंट ऑफ रेंज होगा डिस्क्रीट सीरीज का। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। पहले दोस्तों देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करें देखो ध्यान से कैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें इस कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हमें रेंज निकालना है, अगर हम लोग बात करें इस कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हमें रेंज या हमें कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है, अगर मान के चलो ध्यान से समझो अगर हमें रेंज या कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है, तो इस केस में प्यारे दोस्तों हम सभी लोग बेसिकली दो मेथड को अप्रोच करेंगे। एक होता है फर्स्ट मेथड और दूसरा होता है सेकंड मेथड। क्या बोला मैंने, बोले जल्दी से, एक होता है फर्स्ट मेथड, एक होता है सेकंड मेथड। ये दो ऐसे जनरली मेथड होते हैं जिन मेथड के जरिए हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं। बात आ रही है सुनने, पहले मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहला मेथड ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन, आपको क्या करना है बोलो, डिफरेंस बिटवीन लेना है किस में से, लोवेस्ट का लोवेस्ट लिमिट और लोवेस्ट क्लास लोवेस्ट लिमिट ऑफ सॉरी लोवेस्ट लिमिट ऑफ क्या लेना है बोलो, लोवेस्ट लिमिट ऑफ लोवेस्ट लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है ना, लोवेस्ट क्लास इंटरवल। और इस तरीके से हमारे पास फिर इंटरवल, ठीक है, और इस तरीके से फिर हमें लेना है क्या बोले जल्दी से, और फिर किसका डिफरेंस लेना होगा, हाईएस्ट लिमिट, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल, कि जो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है, कि जो भी हाईएस्ट क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट, ठीक है, इंटरवल। तो इस केस में हम लोग अगर ये करते हैं तो हमारा वो फर्स्ट मेथड से रेंज निकलता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूँ, उस क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझेंगे। देखो हमारे पास मान के चलो साइज दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और 30 से 40 और 40 से 50 फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कुछ साइज दिया हुआ है ना, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 ये दिया हुआ है मान के चलो, ठीक है, 60 से 70 ये दिया हुआ है। अब इस तरीके से हमारे पास इसमें 10, 15, 25, 30 हमारे पास जो है 10, 15, 25 और ये कितना हुआ 30, और फिर हमारे पास 11 और 6, ये 11 और कितना बोलो 6 ये दिया हुआ है हमारे पास। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें रेंज निकालो, तो यहाँ बोलो कि लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है वो ये, तो उसका लोअर लिमिट कौन सा है, लोअर लिमिट है 10, तो -10, और हाईएस्ट कौन सा बोलिए, ये हाईएस्ट का अपर लिमिट 70 है, तो 70 माइनस का 10, तो ये कितना हो गया 60 हो जाएगा। और अगर हम लोग कॉफिशियंट ऑफ रेंज की बात करें तो कॉफिशियंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या बोलो, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट, तो हाईएस्ट कितना होगा 70 माइनस का 10 अपॉन में 70 प्लस का 10 आए ना, तो ये हमारे पास 60, सॉरी ये हमारे पास देखो क्या 60 अपॉन में कितना होगा 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 4 8, तो हमारे पास जो 3/4 आंसर आएगा वो 3/4 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। बात आई है समझ में, ये बेसिक सी बात थी, मैं उम्मीद आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत हो कोई परेशानी नहीं होगी। बोलिए जल्दी से फास्ट एक बार जल्दी से बताइए, ये हमने जो कंटिन्यूअस सीरीज में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड हमने रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया, आपको बात समझ में आई, एक बार जल्दी से हाँ या ना बताएं, जल्दी से बात बताइए फास्ट, जल्दी से कम ऑन। चलिए बताइए आप सभी लोगों को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड ही कैलकुलेट करना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए फास्ट कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से चलिए कम ऑन, जल्दी से बताइए फास्ट कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों एक बार। कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट,
मुझे बताइए सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड से कैसे निकालते हैं कैलकुलेट, कैसे करते हैं, मुझे बताइए सेकंड मेथड क्या होता है, फास्ट होता चलिए भाई बड़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्रो हाय ना। सेकंड मेथड मैंने कमेंट बॉक्स में देखा मगर कुछ भी मुझे बेनिफिट्स नहीं दिखा, ठीक है तो आइए डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड को। टेक द डिफरेंस पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लार्जेस्ट या सॉरी टेक द डिफरेंस पॉइंट ऑफ, हम वो बोल सकते हैं क्या, टेक द डिफरेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इंटरवल ठीक है एंड हाईएस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। अब आइए देखते हैं, मतलब देखो क्या होता है कि अगर मैं देखो आपसे पूछा भी जाएगा कि भाई कैलकुलेट करो भाई, मतलब अगर आपसे ये भी बोला जाएगा कि भाई आप लॉगेस्ट मेथड से मतलब आप सेकंड मेथड से कैलकुलेट करिए या फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करिए रेंज, तो अगर आपसे कोई बोलता है सेकंड मेथड से कैलकुलेट करिए रेंज, तो रेंज को सेकंड मेथड से कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमारे पास टेक द डिफरेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द लोवेस्ट, जो भी सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल होगा उसका कोई मिड पॉइंट लो और जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल होगा उसका मिड पॉइंट लो, फिर उसका जो दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो आपका रेंज आ जाएगा और डिफरेंस ऊपर का माइनस करके डिफरेंस ऊपर का प्लस करोगे तो कॉफिशियंट ऑफ रेंज आ जाएगा। आइए हम कुछ इन क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड मेथड के थ्रू मैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों सेकंड मेथड के थ्रू मैं आप सभी लोगों को रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज, मैं आपको सेकंड मेथड के थ्रू रेंज और कॉफिशियंट ऑफ जो रेंज है वो कैलकुलेट कराना सिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से स्टार्ट करें। देखिए सेकंड मेथड के थ्रू हम लोग रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज सीखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख के। देखिए मगर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो 10 से 20, 20 से 30 और इस तरीके से 30 से 40 और फिर 40 से 50 और फिर 50 से 60 और इस तरीके से 60 से 70, बोलो हाँ है ना। ये मैंने लिखा यहाँ पे साइज, ठीक है एक्स लिखा हमने, बोलो मेरे साथ है ना, ये मैंने साइज लिखा एक्स। चलिए जल्दी से फास्ट अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो लिखा हो 10 15 25 30 11 6, देखो 10 15 25 25 30 11 6, ठीक है ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपसे देखो पूछा हुआ सेकेंड मेथड, तो जिस देखो सेकेंड मेथड कुछ इस प्रकार से कहता है कि मेरे प्यारे दोस्तों सेकेंड मेथड ये कहता है कि जो भी लोवेस्ट लोवेस्ट क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लीजिए,
मैंने क्या बोला, जो भी लोवेस्ट क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लीजिए, और फिर जो भी हाईएस्ट क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लीजिए। बोलो हाँ, है ना, जो भी हाईएस्ट क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लीजिए। तो जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल है वो है 10 से 20, और जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है वो है 60 से 70। अरे हाँ, है ना, बोलो जल्दी से फास्ट। लोवेस्ट क्लास इंटरवल है 60 से 70, और हाईएस्ट क्लास इंटरवल है कितना, बोलो 10 से 20। तो इसका 10 20 10 30 अपॉन में कितना, बोलो जल्दी से 2, मतलब क्या हमारे पास आ गया 15, और इसका हाईएस्ट का कितना हो जाएगा, बोलो 60, ये 130, 130 अपॉन में 2 कितना, बोलो 65। तो 65 माइनस का 50 15 जो होगा ये हमारे पास, ये रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोलो रेंज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो रेंज होगा वो क्या कहलाएगा, बोलो 50 कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, बोलो जल्दी से 50 कहलाएगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कॉफिशियंट ऑफ रेंज की, तो कॉफिशियंट ऑफ जो रेंज होगा, ये कॉफिशियंट ऑफ रेंज क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास कि हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट। तो ये हमारे पास क्या बोलो, 65 माइनस का 15 अपॉन में 65 प्लस का 15। तो ये हमारे पास जो है मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग अगर बात करें तो ये 50 अपॉन में कितना, बोलो 70, 70 10 80, 80 आ जाएगा जीरो, और ये हमारे पास 5/8 आएगा, और 5/8 को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो हाँ, है ना। और एक बात और मैं बता दूं, हमारे पास देखो रेंज को कैलकुलेट करने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास फर्स्ट मेथड भी है और सेकंड मेथड भी है। अब आपको लग रहा होगा सर हम कौन सा मेथड फॉलो करें, जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिए मेरी बात को, कि हम रेंज को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड की बात करें, सो हमारा जो है फर्स्ट मेथड भी ठीक है, सेकंड मेथड भी ठीक है। हम चाहें तो किसी भी एक मेथड को हम लोग पकड़ के, हम अगर चाहें तो हम किसी भी एक मेथड को पकड़ के हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हमारा आंसर आएगा और हम आंसर को निकाल पाएंगे, ठीक है, और वो आंसर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि वो आंसर हमारा करेक्ट नहीं, आंसर पर 100% जो है वो करेक्ट होगा। बात आ रही है सुनने, जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं हमने रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज, मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया, मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वार्टाइल डेविएशन पे, क्योंकि मैंने आप सभी को समझाया था एब्सोल्यूट मेजर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, रेंज, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व, ये हमारा पूरा डिस्पर्जन है, और इन्हीं सभी के कॉफिशियंट को सीखना वो हमारा रिलेटिव मेजर्स का पार्ट होता है। तो अब हम लोग जो सेकंड जो सीरीज करेंगे वो हम लोग करेंगे मीन डेविएशन, क्या करेंगे बोलो, मीन डेविएशन सीखने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये मीन डेविएशन क्या होता है, सॉरी 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 क्वार्टाइल डेविएशन, सेकंड हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन, क्या है बोलो जल्दी से, सेकंड हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इसका बेसिक क्या है, ये हम लोग सीखेंगे। देखो ध्यान से बताइए क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन, मुझे बता सकते हो क्या ये क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, फास्ट बताएंगे, जितने भी सभी लोग हैं उनका कमेंट का वेट करो, मुझे बताइए व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन। एक बार बताइए जल्दी से क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, बताइए जल्दी से क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, देखिए देखिए जो रेंज होता है, अगर मैं बात करूं इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये देखते हैं जो रेंज होता है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट, और हमारे पास बेसिकली होता है हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट ही एक फॉर्मूला होता है रेंज को कैलकुलेट करने का। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात, सॉरी बच्चे नहीं बोलना चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ये क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों को कि ये जो रेंज अपने आप में एक ऐसा वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे डेटा में हाईएस्ट और लोवेस्ट को शो करता है। अब मान के चलो कोई मिड में कोई एक ऐसी वैल्यू है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है बिल्कुल, मतलब मॉडरेट वैल्यू है, मगर उस वैल्यू की वेटेज काफी अच्छी है, उस वैल्यू का वेटेज काफी अच्छा है, ठीक है, तो उसको वो इग्नोर कर देगा, उसको अवॉइड कर देगा,
तो इस केस में हमारा जो होता है वो हम लोग इंटर क्वार्टाइल मतलब क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं बाताइजेशन में, तो क्वार्टाइल डेविएशन इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे बाताइजेशन। ठीक, इस केस में हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? इसी तरीके से आपको समझना है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, भाई हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं मान के चलो 50, लोवेस्ट मार्क्स आए हैं 10। ठीक है, अब मान के चलो कोई एक ऐसा बच्चा है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिस जो जिंदगी में हमेशा फेल होता आ रहा था, मगर उसके हाईएस्ट से जस्ट थोड़ा सा नीचे आया है, तो रेंज अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट देगा। तो एकदम से अगर उस बच्चे ने पासिंग से भी क्या हाईएस्ट से सेकंड नंबर पे आ गया, उस बच्चे को सोचो इग्नोर कर दिया, मतलब उस बच्चे के अंदर इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आई और उस इंप्रूवमेंट के साथ साथ उसके मार्क्स को हमने इग्नोर कर दिया। तो इस केस में हम चूंकि सारा ही डेटा को लेके सारे ही डेटा को एक इंपॉर्टेंस दे पाए, इसलिए हम लोग एक क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। बोलो मेरे साथ आए ना? तो इसलिए हम लोगों ने एक रेंज को एक क्रूड मेथड माना था, बट ये क्वार्टाइल डेविएशन की एक अच्छा मेथड है। आगे बढ़े, देखो देखिए क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें, मान के चलो ये कोई डेटा है, ठीक है, हमने इस डेटा को चार टुकड़ों में बांट दिया, बात है इसमें कोई भी डेटा है तो हमने चार टुकड़ों में बांट दिया। जैसे भाई कोई भी डेटा जो होता है अपने आप में 100% होता है, बोलो हाँ, कोई भी जो डेटा होता है वो अपने आप में 100% होता है। जैसे मान लो ये लाइन है, तो ये लाइन अपने आप में क्या होगी, वो 100% होगी। तो 100% का जो इतना बड़ा जो पार्ट होगा, अगर एक छोटा सा टुकड़ा है, चार इक्वल पार्ट्स में बैठा है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इक्वल पार्ट्स में बांटता हूँ, इस लाइन को इग्नोर करिए आप सब लोग। देखो जस्ट सपोज ये लाइन है, ठीक है, जस्ट सपोज ये लाइन है, इस लाइन को मैं चार इक्वल टुकड़े में बांटता हूँ, 1, 2 और ये 3, ठीक है, ये हमारे पास 4 या वो जो भी है, थोड़ा बहुत देख लेना, मैंने स्क्रीन में चार इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो ये जो पार्ट्स है, अगर मैं बात करूँ ध्यान से देखो, ये जो पार्ट्स है, देखो ये जो पार्ट्स है, ये इस पूरे पार्ट्स का 1/4, मतलब हमारे पास 25/100, मतलब 25% है। अब जो ये और ये दोनों मिला के ये जो बिल्कुल मिड वैल्यू है, मतलब ये क्या बोलो, ये 50% है। अच्छा ये कौन सा है, ये आप कहोगे सर 75% है, बोलो हाँ है ना, और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, बोलो ये तो 100% को टच कर रहा है। तो 75% लोग 75/100 कह सकते हैं, तो 25 75, 2500 होगा वो 100, मतलब ये वाला पार्ट 3/4 है, ये वाला पार्ट 1/2 है, और ये वाला पार्ट कौन सा बोलो 1/4 है। बोलो हाँ ना, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है मुझे बताइए जल्दी से फर्स्ट, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है मुझे जल्दी से बताइए फास्ट बताओ। तो जो 1/4 है ये कौन सा है, बोलो जल्दी से, ये लोवेस्ट वैल्यू है पक्का। और ये जो हमारे पास जो 3/4 है, बातों को ध्यान से समझिए, बातों को बिल्कुल ध्यान से समझना है, जो हमारे पास 1/4 है वो लोवेस्ट वैल्यू है, और जो वो 3/4 है वो क्या है, वो जल्दी से वो हमारा क्या है, वो जल्दी से 1/4 है वो लोवेस्ट, 1/4 जो है वो लोवेस्ट वैल्यू है, और जो 3/4 है वो हमारे लिए क्या है, वो जल्दी से वो हाईएस्ट वैल्यू है। बोलो हाँ ना, तो इसी तरीके से हम इस डेटा को कैलकुलेट करेंगे, 1/4 जो है वो लोवेस्ट वैल्यू है, और 3/4 जो है हमारे लिए क्या है, वो जल्दी से हाईएस्ट वैल्यू है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए जल्दी से हाँ ना, एक बार जल्दी से बताओ फास्ट।
ठीक है। सो हमारे पास इस पूरे 100% डेटा में से जो 25% जो जो डेटा है वो हमारे पास क्या है, बोलो जल्दी से, वो हमारे पास सबसे लोवेस्ट डेटा है, लोवेस्ट वैल्यू है, और जो 3/4 हमारे पास जो डेटा है हमारे लिए कौन सा डेटा है, बोलो जल्दी से, वो हमारा सबसे, सॉरी, 1/4 जो है वो हमारा लोवेस्ट डेटा है, और जो 3/4 है वो हाईएस्ट डेटा है। बोलो मेरे साथ हाई है ना। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताओ, कम ऑन। तो इस वजह से देखो, हमने ये फर्स्ट वाले को हमने बोला नाम दिया Q1, पहले वाले भाग को हमने नाम दिया बोलो Q1, दूसरे वाले भाग को नाम दिया हमने क्या Q2, और तीसरे वाले भाग का नाम दिया क्या बोलो जल्दी से हमने Q3। दोबारा बता रहा हूँ, हमने हमने पहले वाले भाग का नाम दिया बोलो Q1, और दूसरे वाले भाग का नाम दिया Q2, तीसरे वाले भाग का नाम दिया हमने बोलो क्या Q3, ठीक है। अच्छा चलो मैं इसको दोबारा आपको समझा रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये लाइन है, इस लाइन को चार टुकड़े, एक बराबर टुकड़े में हमने बांटा, तो एक टुकड़े कितने का है बोलो 25% का, दूसरे टुकड़ा कितने का है बोलो इस वाले वैल्यू 50%, तीसरे वाले टुकड़े को हम क्या बोल सकते हैं 75%, चौथा वाला पार्ट जो है वो रहेगा 100%। या मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक टुकड़े में अगर एक किसी भी डेटा को, अगर हम लोग बातों को समझो, अगर किसी भी डेटा को हम अगर चार बराबर पार्ट में बांटेंगे तो कितने कितने परसेंट आएगा, 25%, 25%, 25% और 25%। हाँ पक्का। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझो कि ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा बोलो, हमारे पास 1/4 होगा, ये 1/2 होगा, ये 3/4 होगा, और ये तो हमारा 100% होगा, मतलब या वन बोल सकते हैं, ये वन बोल सकते हैं। सो अगर इन दोनों डेटा की बात करें, इन दोनों डेटा के बीच में अगर हम लोग बात करें, तो मैंने इस वाले को नाम दे दिया Q1, इसको दे दिया हमने Q2, इसको नाम दे दिया हमने Q3, और ये Q1, Q2, Q3 दे दिया हमने, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग करते क्या थे, हम लोग रेंज निकालने के लिए क्या करते थे बोलो, बोलो जल्दी से, अगर हमें, अगर मान के चलो क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो अगर हमें, मैं बोलूँ आपको कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, अब मैं इसका नाम दे दूंगा क्या इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इंटर क्वार्ट, हम अगर मैं इंटर क्वार्टाइल को हटा दूँ तो हाइएस्ट माइनस का लोवेस्ट, तो हाइएस्ट क्या है यहाँ पे Q3 है, और ये लोवेस्ट क्या है Q1 है, तो चूंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाला तो Q3 माइनस का Q1 करेंगे, क्या करेंगे बोलो, Q3 माइनस का Q1 करेंगे, बोलो मेरे साथ है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल निकाला है, जिस तरीके से कॉफी कॉफिशियंट ऑफ रेंज होता था, बात को समझो ध्यान से, कॉफिशियंट ऑफ रेंज होता था हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट, इस तरीके से कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल होगा क्या, कि जो भी Q3 माइनस का Q1 होगा अपॉन में Q3 प्लस का Q1 होगा। कोई दिक्कत है मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1, बोलो जल्दी से, हाँ है ना। और ये जो 1/4 होगा, ये जो, ये फर्स्ट जो पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे लोअर क्वार्टाइल, क्या बोलेंगे बोलो, इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे लोअर क्वार्टाइल, और ये जो 3/4 वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे अपर क्वार्टाइल, क्या बोलेंगे बोलो, इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे लोअर क्वार्टाइल, और सेकंड पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या अपर क्वार्टाइल। किसी प्रकार की कोई तकलीफ है मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, कम कम जल्दी से बताइए फास्ट, जल्दी से बताओ, जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, तो अपर क्वार्टाइल माइनस का लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन आता है जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, क्या बोलते हैं बोलो, एक और क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो अगर हम लोग Q3 में से Q1 को माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो मेरे साथ हाँ है ना। तो हमने कॉफिशियंट ऑफ मेजर भी कर लिया, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी कर लिया हमने, क्वार्टाइल डेविएशन भी कर लिया, ऑर्डिनरी क्वार्टाइल रेंज भी कर लिया, पक्का। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे जरूर बताएं, बोलो मेरे साथ आए ना, बोलिए जल्दी से फास्ट। देखिए अब हमारे पास, देखो अब हमें क्या करेंगे, बोलिए जल्दी से, देखो मैं आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सिखाऊंगा, मैं आपको इस क्लास में क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सिखाऊंगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास देखो, सबसे पहले मैं सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन सिखाऊंगा आपको, मैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की, इंडिविजुअल सीरीज से कैसे आप सभी लोगों को क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होता है, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास जो सीरियल नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है 1, 2, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और फिर हमारे पास रखा हुआ 6, सॉरी कितना बोलो 7 सीरियल नंबर। फिर हमारे पास जो आइटम्स अरेंज्ड हैं असेंडिंग ऑर्डर, उसमें ये हमारे पास जो आइटम्स जो दिया हुआ है वो है 160, 200, 208, 160, 200 और 208, ठीक है, 208, और फिर हमारे पास 160, 200 और 208, ठीक है, इसके बाद 210, 220, 210 और 220, 250 और 300, 250 और कितना बोलो मेरे प्यारे दोस्तों 300, हाँ है ना, ये हमारे पास चीजें दे रखी हैं।
ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक काम करिए इंडिविजुअल सीरीज क्या, आप सभी लोगों को इस पूरे डेटास में आपको क्या करना है बोलो, हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कैलकुलेट करना है। आपको अगर कोई बोले कि सर इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए, फिर आपको क्वार्टाइल डेविएशन बोले निकालने के लिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, और फिर हमारे पास जो है कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये निकालना है। इतनी सारी चीजें आप सभी लोगों को निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करें तो इंटर क्वार्टाइल रेंज की वही वाली बात, क्या इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस का Q1, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से इसको कैलकुलेट करके देखिए और मुझे बताइए आप सभी का आंसर आ रहा है या नहीं, बताइए फास्ट। जितने भी सभी लोग लाइव एक बार जल्दी से इसको कैलकुलेट करके देखिए और मुझे बताइए आप सभी का आंसर आ रहा है या नहीं, फास्ट बताओ। बताइए फास्ट, कम ऑन जल्दी से बताओ फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से सभी लोग, जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों को बताना है कि आपको ये बात समझ में आई, ये सुनो जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट एक बार। चलिए बताइए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, चलिए भाई हो गया कैलकुलेट कर लिया आप सभी लोगों ने। बताइए कर लिया कैलकुलेट आप सभी लोगों ने,
सो होपफुली कैलकुलेट कर लिया होगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की। ठीक है, डिस्कस करें। देखिए ये जो Q1 होता है, Q1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइज ऑफ, ठीक है, एन प्लस का 1/4। बोलो हाँ है ना, साइज ऑफ एन प्लस का 1/4, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो Q1 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं Q3 की बात करूं तो Q3 का फॉर्म होगा क्या कि साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ 3 * में एन प्लस का 1/4 होता है। ठीक है, बात आ रही है इसमें। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एन कितना है, वो 7 है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो एन है वो है 7, तो अगर मैं Q1 निकालूं तो साइज ऑफ 7 + 1/4 कितना बोला, 4, तो आठ है ना। TH आइटम बोल सकते हैं क्या, ये TH 7th आइटम और फिर ये TH आइटम, तो ये हमारे पास जो होगा 8/4 सेकेंड। ठीक है, तो Q1 का जो आ रहा है हमारे पास सेकेंड आइटम आ रहा है, तो ये जो होगा हमारे पास ये Q1 होगा, कोई दिक्कत। इस तरीके से 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 * में कितना आ रहा है, बोलो सेकेंड प्लस 6th आइटम, तो जो 3 * में 6 मतलब ये होगा हमारे पास, ये जो होगा हमारे पास Q3 होगा पक्का। तो अगर हमें क्या करना है बोलो, अब इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालोगे? नहीं, अब तो निकाल ही लोगे साहब। बोलिए, अब तो मैंने कैलकुलेट करके इतना दे दिया है, तो माइट भी आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकें। बताइए फास्ट। चलिए, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं, एक बार जल्दी से फास्ट बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से कमा। सो क्वार्टाइल डेविएशन समझ में आ गया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं ना, बताइए जल्दी से फास्ट बताइए। देखिए चलिए आगे बढ़े। चलिए इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड नंबर हमारे पास देखो कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट, और अच्छा हमारे पास जो कैलकुलेट करना है आप सभी लोगों को, चलो सर ये तो कैलकुलेट आप कर ही लेंगे ना, कि ठीक है ये भी कैलकुलेट कर ही लेंगे, इसमें मुझे लगता नहीं है किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली बात है, आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। चलो इसको कैलकुलेट कराता हूँ मैं आप लोगों को, एक नया सवाल आप लोगों के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, मतलब आपको Q1 कैलकुलेट करना है, Q1 कितना होगा, और Q3 कैलकुलेट करना है ना। लोअर क्वार्टाइल Q1 बोलते हैं, व्हेन क्वार्टाइल डिवीजन इज 10, क्वार्टाइल डिवीजन हमारे पास 10 दिया हुआ है, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन 0.5, कॉफिशियंट ऑफ 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखो, क्वार्टाइल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है Q3 माइनस का Q1/2। क्वार्टाइल डेविएशन कितना दिया बोलो जल्दी से, 10, तो Q3 माइनस का Q1/2, तो हमारे पास 20 आ जाएगा, कितना होगा Q3 माइनस Q1 की वैल्यू, हाँ है ना पक्का। अब कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस का Q1/Q3 प्लस का Q1 होगा, तो Q3 माइनस Q1 कितना होता है बोलो, हमारे पास 20, सॉरी और 20 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना दिया 0.5, बोलो हाँ है ना, और ये Q3 प्लस का Q1 है ना, तो ये पॉइंट हटाया तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया ना, और जैसे ही 10 आ गया तो 5 * 20 और 10 * 40, तो Q3 प्लस का Q1 = क्या हो जाएगा बोलो, ये 40 हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो इस बात को समझो ध्यान से कि हमारे पास जो है Q3 प्लस Q1 = क्या है बोलो जल्दी से, हमारे पास 40 है, हाँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बोलो जल्दी से Q3 + Q1 = क्या होगा बोलो, 40 है, और Q3 - Q1 = क्या होगा बोलो जल्दी से, 20 है ना, तो ये आ रहा है हमारे पास। तो हमने हमें निकालना है क्या था बोलो, एक बार देख लेते हैं।
अच्छा तो एक काम करो, Q3 की वैल्यू क्या होगी बोलो, Q1 है ना 40 माइनस Q3, Q3 बोलो 40 माइनस Q1 हो जाएगा। अब इसको इस यहाँ लिख दो कि क्या 20 इज इक्वल टू 40 माइनस Q1, ठीक है माइनस Q1, ठीक है 20 इज इक्वल टू 40 माइनस का 2Q1 पक्का। और फिर हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 2Q1 इज इक्वल टू 2Q1 इज इक्वल टू 40 माइनस का 20, तो Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और फिर अगर Q1 20 आएगा तो Q3 भी कितना आएगा बोलो 20 आएगा, क्योंकि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, अच्छा लोअर क्वार्टाइल, अच्छा एक सेकेंड, 2Q1 इज इक्वल टू 40 20 आ जाएगा ना, तो 20 आ जाएगा तो Q1 की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी ना 10, तो Q1 की वैल्यू अगर 10 आएगी तो Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 30 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि क्यों इसलिए आएगी क्योंकि Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 40 है, तो अगर Q1 अगर हमारे पास 10 है तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक लिख दो कितना 30। अरे हाँ है ना, समझ में आ गई बात, तो एक बार जल्दी से साहब यस और नो में जवाब दें। सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकल था, लगाओगे दिमाग तो आंसर आ जाएगा, कोई भी तकलीफ होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करें अगला क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, डिस्क्रीट सीरीज निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोलो, डिस्क्रीट सीरीज हम लोग अब क्या करेंगे बोलो, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज अगर निकालना है तो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, तो अब मान के चलो हमारे पास हाइट्स दिया हुआ है, ठीक है तो हाइट में 153, 155, 157, 153, 155 और 157 ये दिया हुआ है, ठीक है 159, 161, 159 और 161 इस तरीके से 163, 165, 163, 165, ठीक है और 167, 169, 167 और 169, बाप रे काफी लार्ज डेटा आपके सामने दिया हुआ है। 25, 21, 28, 20, देखिए 25, 21, 28 और 20, ठीक है ना 25, 21, 28 और 20, 18, 24, 22, 18, 24 और 22, ठीक है और फिर हमारे पास 18, 23, ठीक है 18 और कितना बोलो 23, तो ये हमारे पास दिया हुआ है डेटा। और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो क्या होता है, हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखिए ध्यान से, अब आपसे कोई पूछे कि सर इसमें से क्या करना है, वही चीज क्या कि सर इसमें से क्या करो कि आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए, ठीक है और फिर आपको रेंज निकालना है और फिर आपको कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालना है, ठीक है इतनी सारी चीजें आपको निकालना है, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज, ये दो तीन तीन चीजें आपको निकालना है, जल्दी से फास्ट निकालिए। डिस्क्रीट सीरीज है, अब देखते हैं कौन कौन निकाल पाता है हमारे बीच में। चलिए फास्ट होता है भाई, जल्दी से कम ऑन।
चलिए भाई, निकाल लिया अपने डिस्क्रीट सीरीज में। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमें निकालना है तो डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम सभी लोग इसमें पहले हम लोग सी एफ कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम सभी लोग वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का केस ये होता है कि पहले हमारे पास ये 25 है, तो 25 रख दिया, 25 और 20 कितना बोलो, 20 25 और एक 26, देखो 20 20 40, 40 और 6 46, 46, 20 20 40, 40 और 6 46 और फिर 40 20 80, 40 20 60 ना, 60 10 70 और 4 74 74, 70 20 90 94 और 90 112, 112 और 4 116, 116 और 20 कितना बोलो 136, ठीक है 136 और 22 कितना हो जाएगा बोलो, 6 2 8 और 3 2 5 और 1 158, ठीक है ना, 158 और 158 18, 8 8 16, 5 1 6 कितना बोलो 7, 176, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बोलो 6 3 9 और 7 2 9 और 1 199 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हमारे पास जो है Q3 माइनस Q1 हो जाएगा, ये रेंज का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2 है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1, ये बात है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। देखिए अब हमारे पास जो कोई इंटर क्वार्टाइल रेंज है, क्वार्टाइल रेंज है, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, सो अगर हम लोग बात करें Q3 माइनस Q1, तो Q3 माइनस Q1 का देखो Q1 का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 4, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 4 TH आइटम, ठीक है, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 4 TH आइटम, तो Q1 होगा हमारे पास वो क्या साइज ऑफ, तो देखो ध्यान से n कितना है बोलो, n हमारे पास 199 है प्लस का 1 अपॉन में 2 TH आइटम, तो 200 अपॉन में कितना बोलो 2, मतलब क्या 100 आइटम बनेगा, क्या बोलो जल्दी से 100 आइटम, तो 100 देखो कहाँ पे लाइक कर रहा है, वो हमारे पास करीब 94 के बाद 112 से पहले, देखिए ध्यान से 100 जो लाइक कर रहा है वो 94 के बाद और 112 से पहले लाइक कर रहा है, बोलो हाँ है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो होगा वो क्या होगा बोलो, ये देखो 94 के बाद और 112 से पहले, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ठीक है, तो ये तो हमारे पास Q1 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बोलो जल्दी से, ये हमारे लिए क्या होगा बोलो 159 है, 7 है, अच्छा एक मिनट देखो, 25 46 77, 25 46 77, 94 112 36, 94 112 36, 158 178, 199, बिल्कुल सही है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद लाई कर रहा है, तो ये जो 159 होगा है ना, 159 जो होगा, ध्यान से समझो 159 जो होगा, ठीक है, अच्छा इसके बाद लाई कर रहा है ना, एक सेकंड को मैं थोड़ा सा और इजी इस तरीके से बताता हूँ, ये 200 अपॉन में कितना रहता है, देखो 4 है ना, ठीक है, 200 अपॉन में 4 करोगे तो 4 5 20 50 आ रहा आंसर, ये आ रहा 50, तो 50th आइटम, तो 50th आइटम 46 के बाद 74 की तरफ लाई कर रहा है, तो ये है पक्का, तो अगर ये 50th है तो ये Q1 हो गया 50 और Q3 क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू में 50 तो 150 आएगा, तो 150 कहीं यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, 165 आएगा, तो ये Q3 हो जाएगा, ये Q3 हो जाएगा, ये Q1 आ जाएगा, तो जैसे Q3 Q1 आ गया तो आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ लेने वाली बात नहीं है, बोलो मेरे साथ है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है मुझे बताइए। अब एक क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है,
देखिए एक बार जल्दी से आप सभी लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना है। अच्छा देखो जो इंटर क्वार्टाइल रेंज भी जो निकालते हैं ना, ध्यान से देखो जो इंटर क्वार्टाइल जो रेंज निकालते हैं वो भी बेसिकली हमारे पास उसको मिडल वैल्यू भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम लोग बेसिकली मिडल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज को पढ़ते हैं। वॉट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज? अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें, अगर हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे हम लोग रेंज निकालें, कैसे हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाले, कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे रेंज निकाले, कैसे हम सभी लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाले और कैसे हम लोग कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाले। ठीक है, कैसे रेंज निकाले, कैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाले, कैसे हम सभी लोग कॉफिशियंट ऑफ, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाले, बोलो है ना, कैसे हम सभी लोग कॉफिशियंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाले। ठीक है ना, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये हमारे पास जो है ये निकाला है। ठीक है ना, सो ये हमारे पास डेटा है। तो हमारे पास जो डेटा है, जैसे साइज की बात करूँ, साइज की बात करूँ तो साइज हमारे पास देखो देखो 0 से 5, देखो ध्यान से, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, और 15 से 20, 20 से 25, ठीक है, और 25 से 30, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास साइज दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ध्यान से समझते हैं फ्रीक्वेंसी, तो 3, 9, 15, 23, 3, 9, 15 और 23, ठीक है, 3, 9, 15, 23, 30 और 20, कितना बोलो, 30 और ये 20, ठीक है ना, ध्यान से समझो, ये साइज दिया हुआ है, ये क्या क्या दिया हुआ, जल्दी से फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो एक बार जल्दी से हम लोग देखते हैं ध्यान से, रेंज कॉफिशियंट ऑफ रेंज या इंटर क्वार्टाइल रेंज देखो कैसे निकालेंगे, ये फ्रीक्वेंसी देखो। अब हमें देखो रेंज निकालना है, तो रेंज का फॉर्म होता है हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्म होता है Q3 माइनस का Q1, इसका फॉर्म होगा क्या, Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1, ठीक है ना, बोलो हाँ है ना, ये होता है। और क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज काफी, अच्छा इसमें क्वार्टाइल डेविएशन में होता है क्या, Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2, ठीक है ना, ये है। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो रेंज को, तो हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो CF निकालो, तो CF निकाल लेते हैं भाई, ये 3 आ जाएगा, एक सेकंड CF को ढंग से निकालते हैं, ये 3 और ये कितना 12, 12, 5, 17, 17, 10, 27, ठीक है, 27, 30, 20, 50, 50, 30, 80 और 80 और 20 कितना बोलो 100, ठीक है, ये CF आ गया। तो जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो साइज ऑफ Q1 निकालेंगे, साइज ऑफ क्या करेंगे बोलो, है ना, n+1/4, तो n कितना है बोलो 100 प्लस का 1/4 में कितना बोलो 4, है ना, बोलो हाँ है ना, 101/4, तो अगर 101/4 अगर ला होगा, ध्यान से समझो हमारे पास देखो कितना आएगा बोलो, ओ सॉरी एक गलत कर रहे हैं, अरे यार मिस्टेक हो गया एक, जाने को आता नहीं है ना, डेटा दोबारा लिखना पड़ेगा, डेटा हमें दोबारा लिखना पड़ेगा भैया।
चलो कोई नहीं, लिखते हैं। साइज दिया है मेरे पास, देखो क्या 5 से 10, 10 से 15, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और मेरे पास 25 से 30 ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 3, 9, 15 हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 9, 15 ठीक है, 23, 30, 20, 23, 30 और 20 ठीक है, 3, 9, 15, 23, 30, 20 हमारे पास जो है ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास सबसे पहले हमने इसका CF निकाला था, तो CF निकाला था 3, 9, 3, 12, 12, 5, 17, 10, 27 ठीक है, 27, 3, 30, 20, 50, 50, 30, 80 और 80, 20, 100 ठीक है। अब इसमें अगर हमें निकालना है सबसे पहले क्वार्टाइल डिवीजन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल ठीक है, ये तीन चीजें आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, सो Q1 आएगा हमारे पास साइज ऑफ, इस केस में कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में साइज ऑफ n बाई 4 करते हैं और फिर करते हैं TH आइटम, तो साइज ऑफ n बाई 4 मतलब क्या 100 बाई 4 कितना बोलो TH आइटम, तो हमारे पास कितना है बोलो 25 आ जाएगा, तो 25 हमारे पास लाई करेगा 12 के बाद, तो कहीं ना कहीं हमारे पास फ्रिक्वेंसी तो ये होगी मगर ये हमारे पास लिमिट्स लेंगे। ठीक है ना, बोलो मेरे साथ है ना, फ्रिक्वेंसी तो ये होगी, तो हमारे पास कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जो Q1 होगा, ध्यान से समझो कि जो Q1 होगा वो ये होगा कि L1 प्लस N बाई 4 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में I, ठीक है ना, ये होगा फॉर्मूला। तो हमारे पास देखो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं L1 कितना है 10 प्लस का N अपॉन 4 कितना है 25 माइनस CF कितना है, बताओ CF कौन सा लेंगे बोलो, यही लेंगे CF, इसके ऊपर वाला लेंगे ठीक है 12 अपॉन में एफ कितना है बोलो, फ्रीक्वेंसी लेंगे 15 इंटू में कितना कॉमन कितना है बोलो 5 ठीक है, 5 3 का 15 3 ना, तो Q1 आ जाएगा हमारे पास कितना बोलो 25, 10 प्लस का 25 में से 12 कितना बोलो 13 12 25 13/3 है ना, 13/3 तो 30 10 में 10 3 30 10 10 10 10 30 30 10 40 43 43/3 आंसर आ रहा है, बोलो मेरे साथ है ना 43/3 आंसर आएगा, और 43/3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 34 42 हाँ तो हमारे पास 14.33 समथिंग आएगा। इस तरीके से इसी को आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 14.33 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी और कुछ नहीं, बोलो मेरे साथ है ना, अगर हम लोग 14.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब नहीं इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसको निकाल लो ना कोई दिक्कत नहीं, 14.33 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो हम लोग निकालेंगे देखो किस तरीके से कि 3 इंटू में हम लोग निकालेंगे इसको प्रॉपर तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले साइज ऑफ 3 इंटू में n अपॉन में 4 क्या करेंगे बोलो, हम सबसे पहले इसका निकालेंगे साइज ऑफ 3 इंटू में n अपॉन में 4 TH आइटम करेंगे, और फिर हम लोग जब n अपॉन में 4 TH आइटम करेंगे तो n अपॉन में 4 हमारे पास 100 बाय 4 25 आएगा, 25 इंटू में 3 75 आएगा, और 75 देखने कहाँ लाई कर रहा है तो 50 से 80 के बीच में लाई कर रहा है, सो हमारे पास जो 30 है फ्रीक्वेंसी है और 20 हो जाएगा हमारे पास L1 और 80 हो जाएगा हमारे पास क्या 80 नहीं 50 हो जाएगा CF, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट।
कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो अभी तक तो मुझे बता दीजिए फास्ट। ये हमारे सीरीज की लास्ट क्वेश्चन हो सकती है, वेट करिए क्वेश्चन का। देखिए मार्क्स दिया है हमारे पास below 20, फिर यहाँ पे 20 to 30, थोड़ा सा सीरीज अलग दिया है 30 to 40, ठीक है 40 और अबव 40, ठीक है अबव 40, ये हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं। और नंबर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जो दिए हुए हैं कुछ हमारे पास, वो 7, 10, 14, 9, 7, 10 और 14, और ये कितना बोलो 9, देखो ध्यान से मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है क्या 7, 10, 14 और 9, ठीक है जी बोलो हाँ है ना। अब देखिए एक बार जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है हमने बिल्कुल इस तरीके से लिख दिया और हम लोग पहले इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 7, 10, 7, 17, 17, 4, 7, 4, 11, 21, 21, 10 कितना 31, 31 और 9 कितना बोलो 40, बोलो हाँ है ना। 31 और 9 कितना हो जाए होता है जल्दी से 40 होता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है, थोड़ा जल्दी से फास्ट। चल ये हमने सीएफ नहीं, अभी हमने सीए फ्रीक्वेंसी दिया होता और फिर इस फ्रीक्वेंसी से हमने सी एफ निकाल दिया, ठीक है। ठीक है अब अगर हम लोग निकालना चाहे तो साइज ऑफ Q1 अगर निकालें तो हम लोग इसमें निकाल सकते हैं क्या साइज ऑफ n/4, तो th आइटम तो n कितना है 40 अपॉन में कितना 4, tenth आइटम तो tenth आइटम कहाँ 7 से 17 के बीच में लाई करेगा, मतलब हमारे पास ये होगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये कितना होगा cf हो जाएगा है ना। तो Q1 निकालेंगे कितना बोलो l1 + n/4 - cf / f (i), तो L1 कितना होगा 20 प्लस का n/4 कितना है बोलो 10 है ना, माइनस CF कितना है बोलो
सात अपॉन में कितना एफ कितना 10 इंटू में कितना 20, 10, 30, 10 है ना, बोलो हाँ है ना। तो इस तरीके से 10 चौकी, सॉरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना 10 और आई भी कितना 10, 10, 10 कैंसिल, तो ये 3 और 20 तीन 23 आ जाएगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 23 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से Q3 निकाल लो यार, तो 3 इंटू में साइज ऑफ एन अपन में 4, मतलब साइज ऑफ एन अपन में 4, तो हमारे पास एन कितना है बोलो 40, 40 बाई 4, तो हमारे पास टी एच आइटम, तो 3 इंटू में कितना 10, तो इक्वल टू कितना 30 आया ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग 30 की बात करें तो 30 प्लस 30 कहाँ लाई करेगा बोलो, 17 से 30, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये हमारे सॉरी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ये सी एफ हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये लिमिट्स हो जाएगा। और जब ये 30 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लोग डेटा आ गया हमारे पास, अब Q1 Q3 निकालेंगे। जैसे ही Q3 निकालेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन भी निकल जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकल जाएगा और कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को निकल के आराम से कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार जल्दी से आप सभी लोग जो है जल्दी से फास्ट मेरे प्यारे मित्रों आप सभी लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि ये सब कुछ कैलकुलेट कर दिखाइए, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी चीजें मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैलकुलेट करके दिखाइए फास्ट। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बेसिक सी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार मुझे बताइए फास्ट, जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से मुझे बताइए, हमने कैलकुलेट कर लिया, बताइए फास्ट, बताइए जल्दी से।
चलो, बात आप सभी को समझ में आ गई। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे समझा सकते हैं। बिल्कुल भी तकलीफ किसी भी प्रकार की नहीं होना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है? चलिए, सो ये क्वार्टाइल डिविजन तक हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग बेसिकली मीन डिविजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मीन डिविजन जो होगा वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मीन डिविजन, जितना मैंने आपको रेंज और क्वार्टाइल डिविजन समझाया वो समझ में आ गया होगा। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होगी। सो आई अगेन रिपीट, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में लगातार बनने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इस कोड को इस्तेमाल करना ना भूलें। मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, SUCHIT, SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं, SUCHI है आई, ठीक है, SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और इस 10% डिस्काउंट से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। 10% डिस्काउंट के साथ काफी अच्छे कोर्सेस को, पेपर वन पेपर टू को एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से एक्सेस पा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।